यानी कि चलिए बात करते जानवी कपूर स्टार ऑफ़ फिल्म गुड लक जेरी के बारे में अब अगर हम रीमेक्स की बात करेंगे तो राइट ब्लैक एंड व्हाइट हमारे यहाँ कई फिल्में रीमेक की जा रही है हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल फिल्मों की ऑफिशियल एंड साथ ही अनऑफिशियल रीमेक्स दोनों बनती आ रही है फॉलोड बाई हिंदी फिल्म बीग रीमेड इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड रीजनल वन बींग रीमेड इन हिंदी अब बाकी के जॉनराज तो ठीक है बट वेन इट कम्स टू कॉमेडी सेंसिबिलिटीज एक पर्टिकुलर रीजन में अलग होती है और दूसरी जगह या ऑल ओवर इंडिया में टोटली totally अलग अगर उसे राइट right मैनर में या के रीमेक किया जाए तो इसका परफेक्ट रिजल्ट हंड्रेड परसेंट मिलता है some इनके साथ साथ कई और फिल्म मेकर्स ने कोशिश की थी जिसमें से कुछ तो कामयाब हुए

की माँ यानी कि मीता वशिष्ठ वेज मोमोज बनाती है और जेरी अपनी छोटी बहन के साथ रहती है और एक दिन उसे पता चलता है कि उनकी मम्मी को कैंसर है जिसके ट्रीटमेंट के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत है अब उसी दौरान एक्सीडेंटली जेरी एक ड्रग माफिया गैंग के लिए एक असाइनमेंट पूरा करती है और उसके बाद उनके लिए काम करना शुरू करती है उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है अब स्टोरी जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म बट उसे यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए किया है द एंटायर बिहारी एंड पंजाबी टच टू तो दिस फिल्म मेक्स इट न्यू एंड फ्रेश फिल्म थोड़ा टाइम लेती है टू एस्टैब्लिश इट्स मेन प्लॉट स्पेशली विद ऑल द मीठा वर्सेस एंड फैमिली का ट्रैक उन पोर्शंस को थोड़ा सा खींचा भी गया है लेकिन जैसे जानवी ड्रग गैंग से इन्वॉल्व होती है वेल द मूवी गोज ऑन अ लाफ्टर राइड

यू नो गुंडो की पंजाबी एंड जानवी की बिहारी लैंग्वेज का जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है ऑल्सो तो डायरेक्टर अपने एक्टर होके उनके कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा कॉमिक टाइमिंग निकलवाते हैं बस फिल्म के स्टार्ट में थोड़ा टाइम लेते हैं क्लाइमैक्स में थोड़ा बिखर जाते हैं बट उसके अलावा एक मजेदार फिल्म बनाने में कामयाब होते हैं परफॉर्मेंसेज की बात करेंगे तो जानवी कपूर इज वेरी गुड इन हर बेचारी दिखने वाली यू नो लड़की के कैरेक्टर में और बिहारी टच इज सुपर्ब एंड जेट पोकर फेस बना के जो कॉमिक टाइमिंग है ना बहुत कमाल की है दीपक दोल जितनी बार फिल्म में दिखाई देते हरकतें उनकी कमाल की है साहिल कमाल की है उनके अलावा नीरज सूद वो भी बढ़िया है अपने रोल में मीथा वसिस्ट ठीक है सुशांत सिंह आई फील वेस्टेड सौरभ सचदेव इज वेरी गुड इनिशियली लेकिन एंड में काफी ओवर द टॉप हो जाते हैं इनके साथ साथ बाकी के एक्टरों ने भी बहुत कमाल का काम किया है सो ऑन ओवरऑल बेसिस पे गुड लक जेरी इज अ रिफ्रेशिंगली की मजेदार फिल्म जो कि और बढ़िया बन सकती थी विद बेटर क्लाइमैक्स जिसके बनते में इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूं सो ऑल यू जानवी दीपक एंड साहिल के फैंस डू वॉच दिस फिल्म और देख के हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन on टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड होते बॉलीवुड पाए यानी कि आर्ज दिव्य सोल गामा